हेलो। सुहाना, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ ओके, तो ये लिखते जाना साथ में, ठीक है? और स्क्रीनशॉट भी लिखते जाना। तो हीट क्या है, पहले डेफिनेशन क्या हो गया? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंस ऑफ हॉटनेस, ठीक है, जिससे हमें गर्मी फील हो, है ना। ये हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या हो गया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना गर्म है ना। ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये दोनों डेफिनेशन पहले लिख लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है क्या, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर क्या इज अ डिवाइस, ठीक है, यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। सब्सटेंस, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना ईच पेज का, ठीक है। मैं इसको बाद में क्लियर करते जाऊंगा, कुछ छूट जाएगा तो बाद में रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो तीन चीज हो गया, एक हो गया हीट विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंस ऑफ हॉटनेस, दूसरा क्या हो गया, टेम्परेचर इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कितना डिग्री है, मतलब कितना ज्यादा या कम। थर्मोमीटर क्या हो गया, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, जैसे हमें नहीं थर्मोमीटर लगा के देखते हैं कितना टेम्परेचर है हमारा, तो इट इज जस्ट अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। ये तीन चीज लिख लिया, 1, 2 एंड 3 लिख लिया, तो बोलो फिर मैं क्लियर कर दूंगा। यस सर, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर, ओके। थर्मोमीटर भी अब दो टाइप का होता है, ठीक है, थर्मोमीटर, पता है कौन कौन से टाइप का? यस सर, लैबोरेटरी क्लिनिकल और मर्क्यूरी। ठीक है, मेनली तो लेबोरेटरी और क्लिनिकल ही है, उसके बाद हम वो भी पढ़ लेंगे। लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? लैबोरेटरी जो है साइंटिस्ट लोग के पास होता है, और क्लिनिकल जो है डॉक्टर लोग के पास होता हाँ, इसमें डिफरेंस, जैसे इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि उसमें तो मर्क्यूरी के साथ बल्ब प्रेजेंट नहीं होता है। उससे क्या दिक्कत आएगा, जैसे हमसे अगर टेम्परेचर हमारा देखेंगे लेबोरेटरी वाले से, क्या वो रीडिंग नहीं देगा? नो सर, क्योंकि उसमें बल्ब प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो बल्ब प्रेजेंट नहीं होता है, तो अगर मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर नापेंगे तो उसके बाद अगर निकाल देंगे उसे, तो वो मर्क्यूरी तुरंत नीचे आ जाएगा। हाँ, तो मरकरी तो होता है, लेकिन उसमें क्या है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज एक तो बहुत ज्यादा होता है, वो उतना अच्छा हमें मेजरमेंट नहीं दे पाएगा, एक तो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। और क्लिनिकल में नीचे क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें बल्ब प्रेजेंट होता है। किंक होता है, किंक बताता हूँ मेरे को। इसका रेंज क्या हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया क्लिनिकल का। और इसका रेंज कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज इतना ज्यादा क्यों लिया गया है पता है? देखो, सर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या है कि हमें बहुत ज्यादा चीजें चेक करनी होती है। मान लो कोई कहीं आग ही है, या कोई हमारा बहुत ही बॉइलिंग चीज है, उसको अगर मेजर करना है, अगर हम लोग का जो थर्मोमीटर घर पे रहता है उसको हम दूध अगर बॉइलिंग उसमें डालेंगे तो टूट जाएगा, है ना, वो पूरा टूट के उसमें ही चला जाएगा, क्योंकि तो शीशा है ना ये, तो इसीलिए उसका रेंज बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो वो हमारे इसमें पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट होल्ड करना, किसी का मैसेज आ रहा है, कुछ ज्वाइन कर पाया शायद। तब तक इसके और डिफरेंस सोचो, एक मैसेज कर दे रहा हूं, एक देखो, तुम्हें मैंने क्या पासवर्ड दिया था, देखो व्हाट्सएप किया है ना, 13 BQ BQ,
सेवन होगा व्हाट्सएप ना, पे है, लास्ट में 7। सेवन है ना, फाइल का है कि मीटिंग पासवर्ड इज इनकरेक्ट, थर्टीन ऐसा कैसे? 13BQBQ7। BQB। हाँ इसको इनकरेक्ट क्यों बता रहा है? ये बोल रही है इट इज इनकरेक्ट। बी क्यू ये सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। हाँ हाँ ट्राई अगेन करता हूँ मैं। बच्चों ऐसे तो पढ़ावा है। देखो लेबोरेटरी में ना हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें बहुत गर्म गर्म चीजें भी हो सकती है जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, जिसपे हमें कुछ, हम साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ब्लड एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर यस तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, तो 35 और 42 के बीच में ही रहेगा मैक्सिमम, कितना भी लेंगे तो इसके बीच में ही आना है ना। तो इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है बहुत कम है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एक्यूरेसी इज बहुत हाई, ठीक है, एंड हियर एक्यूरेसी इज लो, इसका बहुत एक्यूरेसी कम है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर देखोगे तो थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके फिर ऐसे बना है ना क्लिनिकल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, किंग। जैसे मरकरी बल्ब हमारा अगर ऊपर आ गया तो ये नीचे जब आएगा तो यहीं पे आके यहां तक अटक जाएगा, जल्दी नीचे नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि किंग है यहाँ पर, किंग KINK है, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ। ये चीज क्लिनिकल थर्मोमीटर में ही है, इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं है, ठीक है। तो किंग इफेक्ट एक तो लिख सकते हो, ठीक है। तो कितने डिफरेंस हो गए, तीन हो गए ना, एक तो हमारा रेंज हो गया, ठीक है, एक एक्यूरेसी हो गया, और एक किंक हो गया, नो किंक, है ना, तीन डिफरेंस हो गया ना, एक दो तीन, ठीक है, ये तीन डिफरेंस कहीं भी लिख सकते हो, है ना, इसको लिख लो। तब तो तक मैं देख लेता हूँ, मैसेज कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, ये हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्लियर सर हो गया। कर दे रहा हूं। नाउ एक तो आ सकता है क्वेश्चन, हाउ टू यूज द थर्मोमीटर, है ना, हाउ टू यूज थर्मोमीटर, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकता है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वॉश, है ना, थर्मोमीटर को भी और अपने हैंड्स को भी, है ना, थर्मोमीटर एंड हैंड्स, ठीक है, क्या लिखे, प्रॉपरली, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। और क्या कर सकते हैं, देखो खुद लॉजिक लगाना है, बुक में तो पढ़ी रहे ना, खुद सोचो क्या क्या कर सकते हैं, है ना। जो हमारा थर्मोमीटर है उसको हम लोग बार बार ना उसको थोड़ा झटका भी देना है ना, और ताकि उसका जो मरकरी का बल्ब है वो हमारा बिल्कुल नीचे आ जाए, ताकि उसका रीडिंग पहले 0 हो, है ना। और जब हम रीडिंग ले रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है कि हम इसको बिल्कुल पैरेलल रखें, जैसे रीडिंग जब ले रहे हैं थर्मोमीटर का, तो यहां से हम बिल्कुल पैरेलल रखें, और बिल्कुल हमारा जो आंख है जहां से हम देख रहे हैं वो भी बिल्कुल इसके स्ट्रेट देखना है ना, बिल्कुल स्ट्रेट देखना। मान लो यहाँ रीडिंग आ रहा है ना, तो कैसे, इसी एंगल से नहीं देखना, उसमें क्या हो जाता है, पैरेलेक्स एरर बोलते हैं। अगर हम उसको टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलेक्स एरर, ठीक है। एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, बल्ब को नहीं, बल्ब के पास नहीं होल्ड करना है ना, नॉट टू होल्ड, एक मिनट, डोंट होल्ड नियर बल्ब, क्यों, उससे क्या हो जाएगा, बल्ब की जगह हमारा बॉडी का हीट वो ले लेगा, है ना, हमारे बॉडी का हीट ले लेगा, तो उससे दिक्कत है ना, इसीलिए, ठीक है, ओके। और इट शुड नॉट ब्रेक, है ना, तो हैंडल प्रॉपरली, हैंडल प्रॉपरली सो दैट डजंट ब्रेक, है ना। एक तो ये हो गया,
ठीक है, और कुछ, यस और कोई आइडिया? शुड नॉट टच साइड द बॉटम। हाँ, कंटेनर को टच नहीं राइट, करना चाहिए। एक तो पॉइंट ये, जैसे कंटेनर है ना, और ये मान लो पानी का हमें टेम्परेचर लेना है, तो हम थर्मोमीटर को ऐसे डिप करेंगे, यहाँ टच नहीं करेंगे, या इस तरफ, या इसको टच नहीं करेंगे ना, ये सब गलत है। अगर यहाँ टच करेंगे तो उस कंटेनर का टेम्परेचर भी उस पर इफेक्ट डालेगा, है ना। यस तो कम से कम 10 पॉइंट खुद ही सोच के लिख सकते हो। तो ये तो एक तो ये आता है, हाउ टू यूज थर्मोमीटर एंड प्रिकॉशन। हाँ सर मेरे बुक में दिया हुआ है हाउ टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाँ तो ये सब देख लेना, एक तो हाउ टू यूज है और एक होगा प्रिकॉशन। तो हमने दोनों ही मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो दोनों ही अपना समझ के लिख सकते हो लॉजिक। कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, है ना। हाउ टू यूज में स्टेप्स तुम क्या क्या करोगे, जैसे घर में मान लो किसी का यूज करना है और एक लैब में यूज करना है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का रेंज याद रखना है ना। लेबोरेटरी कैसे -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस है, और क्लिनिकल का कितना है, 35 टू 42 है ना, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, है ना, यही है ना। यस सर ओके, ये तो हो गया। इस पेज को मैं क्लियर कर दूं, इसको क्लियर कर दे रहा हूं मैं, हो गया ना इतना। सर यस सर ओके, एक होता है डिजिटल थर्मोमीटर, सुना होगा। यस सर सुने तो हैं पर मैं बुक में दिया हुआ नहीं। इसमें कुछ नहीं है। डिजिटल क्लॉक सुना है? नहीं डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, खाली डिजिट्स आता है, जैसे 1 बज रहा है तो उसमें लिखा रहेगा 0100, तो वो हो गया डिजिट में, इसलिए इसको यस डिजिटल बोलते हैं। तो इस थर्मोमीटर में भी क्या होगा, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट लिखा हुआ आएगा, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं रीडिंग को, ठीक है। इसमें कोई रीडिंग नहीं, सीधा 37 डिग्री सेल्सियस आ गया, या फिर 37.15 डिग्री सेल्सियस लिख के आ गया, बस हमें रीडिंग मिल गया। इसमें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा महंगा आएगा, है ना। यस इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक आता है तुम्हारा क्या, नो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम तो आई बुक में जो दिया है वही पढ़ना, बाकी तुम्हारे समझने के लिए कम से कम इतना रहेगा, तो उसमें कुछ रटना तो है नहीं, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, विच ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। जैसे हम लोग, तापमान आता है ना कि आज मैक्सिमम इतना रहा, मान लो 48 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम 37 डिग्री सेल्सियस रहा आज का तापमान, है ना। ये जो टेम्परेचर कैसे होता है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर यूज करते हैं। ये क्या करेगा, यस पूरे दिन जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर आया, एक तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, जैसे ये क्या हो गया हमारा मैक्स, ठीक है, और जो सबसे मिनिमम रहा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, बस यही दोनों रीडिंग वो देगा, ठीक है। क्या सबसे ज्यादा तापमान कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम कितना था, तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें कोई डाउट नो सर नहीं ना, तो थर्मोमीटर हमारा हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। यस सर ले लिया। नाउ कम्स ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। एक मिनट होल्ड कर लेना, मैं कॉल करके फिर से देख लेता हूँ। जिसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है उसको कॉल करना चाहिए ना, अब कॉल कर रहा हूँ, उनका एंगेज आ रहा है। यस हाँ, कौन पायल? यस
हाँ ठीक है, देखो ट्रांसफर ऑफ हीट का क्या प्रॉपर्टी है, वो हमेशा जो हायर टेम्परेचर है ना, यहाँ हम हायर भी लिख सकते हैं, एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही जाएगा, ठीक है, लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा। कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसका, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, स्पून ले लिया, ठीक है, और ये मान लो हायर टेम्परेचर पे है, मान लो इसका हमने स्पून बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हायर टेम्परेचर, ठीक है, और इसमें एक हमने स्पून को टच किया, ठीक है, ये हमारा मान लो है लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे लोअर टेम्परेचर, तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो स्पून है ये भी हमारा टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ठंडे स्पून में गर्म स्पून को टच कर रहे हैं तो ठंडा स्पून हमारा क्या होगा, गर्म हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से हीट जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है ना, हीट हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। है ना, वाटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जब भी कुछ पूछता है तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी बोला है तब भी जबरदस्ती दिखा देना ये फोटो, इससे क्या है अपने आप टीचर जो है बेचारा कॉम्प्लीट हो जाता है मार्क्स देने के लिए, है ना, अगर इसे हमसे समझाओगे उसे मार्क्स देना ही पड़ेगा, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में भी तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इस पेज को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसको तो समझा ही सकते हो, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट आर ऑफ थ्री टाइप्स, ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, एक हो गया बाय कंडक्शन, ठीक है, फिर एक क्या हो गया कन्वेक्शन, और क्या हो गया बाय रेडिएशन। रेडिएशन, कंडक्शन किस में होता है, नॉर्मली ये सॉलिड्स में होता है, ठीक है, कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है, ठीक है, एंड रेडिएशन जो है इट कैन ऑल्सो ऑकर इन वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है फिर भी रेडिएशन, जैसे सूरज की रोशनी आ रही है ना, है? क्या कुछ बोल रहे हो, हेलो, हेलो। हाँ कुछ बोल रहे हो, नो सर। ओके, तो यहाँ पे वैक्यूम भी लिख सकते हो या एम्प्टी भी लिख सकते हो, एम्प्टी एयर मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, जैसे कि सन रेज, है ना, ठीक है, तो कंडक्शन का डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट, ठीक है, जैसे मैंने उसमें लिखा था इन सॉलिड्स लास्ट में ऐड कर रहा, ठीक है, फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, है ना, इन सॉलिड्स, इतना ऐड कर देना लास्ट में बस, ये इन सॉलिड्स, ठीक है, कन्वेक्शन में भी यही सेम चीज रहेगा बट खाली लास्ट में इन लिक्विड्स एंड गैसेस हो जाएगा, है ना, हर जगह हॉटर टू कोल्डर ही होगा, है ना, और रेडिएशन में क्या हो गया, इन एम्प्टी और वैक्यूम, है ना, एम्प्टी स्पेस या फिर वैक्यूम, जैसे कि सनरेज आ रहा है तो वो ऊपर में कोई एयर नहीं है, वहां पे एटमोस्फेरिक जो एयर हम यहाँ देख रहे हैं वहां पे नहीं होता, इसलिए हम उसको एटमोस्फेरिक एयर बोलते हैं, है ना, तो ये तीन, इसके तीनों के इसको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। हाँ ये लिख सकते हैं रेडिएशन में, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम इन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। हाँ बट ये तुमने बुक से देख के बताया ना, लेकिन तुम मुझे मतलब वो समझाना है अपने वर्ड्स, तो इसको समझना है जो बुक में लिखा है, और हमेशा अपने वर्ड्स में लिख के प्रैक्टिस करना है ना, ताकि तुम वहां पे जाओ तो रट के ना जाना पड़े, तो तुम्हें केवल 10 मिनट ही पढ़ना पड़ेगा टेस्ट के पहले, और 24 घंटा कौन पढ़ता रहता है जो बुक से बिल्कुल चाहता है सेम वर्ड लिखे, तो रटना नहीं है, रटोगे तो फिर कुछ समय 1-2 साल ही रट पाओगे, उसके बाद फिर वो रटना वाला खत्म, इतना मोटा बुक आ जाएगा कि रट ही नहीं पाओगे, है ना, कुछ लोग देखते होंगे कि पढ़ाई करते करते पागल हो गया, क्यों पढ़ाई करते पागल हो, क्योंकि एक एक वर्ड वो रटता है बेचारा, तो उतना रटेगा तो फिर कैसे चलेगा, वो चाह रहा है मुझे मार्क्स बहुत अच्छे आए, है ना, तो समझने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि टीचर को देखना है तुम्हें समझ में आया कि नहीं, हाँ तुम यहाँ पे अगर डायग्राम बना दो, जैसे यहाँ पे मैंने सन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रेज बना दिए, है ना, तो कम यस पढ़ के सर। भी दूसरे बच्चों ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, यहाँ से अगर तुम ऐसे रेज बना दोगे ऐसे एरोस, है ना, और यहाँ पे ऐसे लिख दोगे रेडिएशन, है ना, यस सर। तो ये सब टेक्निक्स होता है मार्क्स लाने का, है ना, बिना ज्यादा पढ़े खाली समझ के उसको दिखा देना है ना कॉपी में, ठीक है, कन्वेक्शन में क्या है, तो यहाँ पे भी हॉटर टू कोल्डर ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर दिखा दोगे फ्लूड या फिर ऑब्लिक लिक्विड, तो एक आदमी खाली लिक्विड लिखेगा, कोई फ्लूड लिखेगा, कोई ऑब्लिक करके दोनों चीज लिखेगा, है ना, और यहाँ पे ऑब्लिक गैसेस, तो ऑब्वियसली उसके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना, जो जितना इंफॉर्मेशन दे रहा है उस हिसाब से मार्क्स मिलता है ना, ठीक है,
एक मैं देखता हूँ पायल से कुछ शायद मैसेज आया है, क्या बोल। इलेवन क्यों दिखा रहा है? पासपोर्ट लगता है चेंज हो गया है अपने आप। हेलो, हाँ लास्ट में अभी 11 डालो, 13 BQ BQ 11 डालो, मैं होल्ड पर रहता हूँ। डालो, इसमें आईडी का डाला है 28692795, चेक करो आईडी। हाँ आप पासवर्ड डालो बिना स्पेस के, कोई स्पेस नहीं देना है बीच में। 13 BQ BQ 11 क्या डाला पासवर्ड बताओ बिना स्पेस के। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मीटिंग आईडी मुझे तो यही दिखा रहा है। और उसने ज्वाइन किया फिर सुहाना ने, और फिर से 7 डाल देखो, 7 या 8। अच्छा मैं तुम्हें एक लिंक भेज रहा हूँ, एक मिनट देखता हूँ, होल्ड करना है। देखो मैंने अभी डाला है हरकर शिक्षा बेलागंज में एक, ठीक है, इनवाइट वाला, उस लिंक को क्लिक करो। हुआ कुछ आ रहा है? तभी हुआ ना ज्वाइन, मेरा आवाज आ रहा है देखो क्लियर। यस सर, और तुम्हारा शिल्पा, तुम्हें आवाज आ रहा है?
शिल्पा आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, अब आ रहा है। ओके ठीक, मैं बार रिवाइज कर देता हूँ। ये स्क्रीन दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड? यस यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हीट है ना, तो पहले हीट का डेफिनेशन साथ यस में लिखते भी जाना। हीट का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंस ऑफ हॉटनेस, है ना। एनर्जी का ही एक टाइप है हीट, जैसे साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वैसे ही हीट एनर्जी होता है ना। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ एक तरह का। और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ हॉटनेस, जिसे थोड़ा गर्मी का फीलिंग आया, है ना। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना गर्म है ना। टेम्परेचर कितना है बोलते हैं ना, इतना डिग्री है मतलब इतना ज्यादा गर्म है। तो कितना गर्म है ये बताता है हमें टेम्परेचर, है ना। तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अगर ठंडा भी है तो टेम्परेचर बहुत कम है ना, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस हो उसका, ठीक है। यस थर्ड क्या हो गया? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। थर्मोमीटर यू देखा है तुम्हारे घर पे है? सर, ओके, तो उसको देखा है ना, वो हम यूज करते हैं ना घर पे, तो किस लिए यूज करते हैं? तो यस किसी भी बॉडी का सर, फीवर। टेम्परेचर देखने। हाँ ओके, तो ये तीनों चीजों का ना स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, हर एक स्क्रीन का, ठीक है। तो बाद में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे मैं चल रहा हूँ। तो थर्मोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या लेबोरेटरी और एक होता है क्लिनिकल, है ना। इनमें क्या डिफरेंस है बताओ? लेबोरेटरी थर्मोमीटर कभी देखा है? यस लेबोरेटरी थर्मोमीटर सर। देखा तो नहीं होगा, कैसे देखा है? तो लैब में यूज होता है। नो सर, मेरे एक अंकल है, वो डॉक्टर है, उनके पास यही वाला थर्मोमीटर। अरे वाह, तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ठीक है, सुहाना ने नहीं देखा होगा अभी तक लेबोरेटरी थर्मोमीटर, नो सर। है ना। मैंने भी नहीं देखा कभी, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इसका, है ना। या उसका एक फोटो लेकर हमें भेजना व्हाट्सएप पे, थोड़ा दिखेगा कैसा होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में? एक तो इनका रेंज, क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज ज्यादा होता है या कम होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज बहुत ही कम होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से केवल 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ये मेजर कर सकता है। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। मतलब हमारा हमेशा टेम्परेचर 35 और 42 के बीच में ही होता है, जब भी बुखार होता है तो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज आता है ना। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है ऐसा? शिल्पा एनी आइडिया? यस सर। हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज इतना ज्यादा क्यों है? लेबोरेटरी में देखो क्या यूज होता है, लेबोरेटरी में साइंटिस्ट वगैरह या डॉक्टर होते हैं, कुछ ना कुछ नया नया कुछ निकालते रहते हैं। तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म है तो उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम नहीं नाप पाएंगे, है ना। दैट कांट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर चाहिए जिसका रेंज बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर तुम घर में दूध गर्म कर रही हो और उसमें तुम क्लिनिकल थर्मोमीटर डिप करोगी उसका टेम्परेचर नापने के लिए, तो पता है क्या होगा? वो थर्मोमीटर टूट जाएगा, ठीक है। उस थर्मोमीटर को उतना वो झेल ही नहीं पाएगा, उसका रेंज बहुत कम है, वो खाली बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, दूध का जो बॉइलिंग है उसका नहीं, है ना। जैसे एक बार मुझे स्कूल नहीं जाना था तो मैंने क्या किया, मैंने थर्मोमीटर को डिप कर दिया बॉइलिंग दूध में, ताकि मम्मी को दिखाऊं मुझे बुखार है, बट वो टूट गया, है ना, बचपन में। तो फिर मैं भाग गया वहां से, छुप गया वहां से, तो मुझे पिटाई हुई। तो इसलिए हमें सोचना है कि हम लोग क्या चीज यूज कर रहे हैं और क्यों। तो इसलिए मुझे आज तक याद है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर अगर बॉइलिंग वाले दूध में डालोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो डालोगे तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इतना झेलने के लिए बना हुआ है, वो 110 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है ना, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है।
तो यहां लिख सकते हो कि रेंज इज लेस, है ना, और यहां पर रेंज ज्यादा है ना, ठीक है। सेकेंड, हाँ, इसका रेंज बहुत कम है और इसका रेंज बहुत ज्यादा है, रेंज इज हाई, है ना। रेंज मतलब समझे कितनी दूर तक देख सकता है, यहां से यहां तक का रेंज बहुत ज्यादा है ना, -10 से लेकर 110 में कितना, 120 डिग्री सेल्सियस तक का उसके अंदर रीडिंग्स ली जा सकती है, और 35 से 42 में बस 7 डिग्री सेल्सियस का रेंज हुआ। रेंज मतलब मैक्सिमम से मिनिमम में डिफरेंस, जैसे 42 -35 कितना हो गया, बस 7 हुआ, लेकिन 110 -10 कितना हो गया, 120 हो गया, है ना, इसका रेंज बहुत ज्यादा हो गया। कितना समझ में आया? यस सर। ओके, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी एक्यूरेसी और इसकी एक्यूरेसी देखी जाए तो एक्यूरेसी ज्यादा किसका होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का, क्योंकि इसका रेंज बहुत कम है तो इसको नापना बहुत ही आसान है, पर लेबोरेटरी में एक्यूरेसी बहुत कम होता है। दूसरा, क्लिनिकल में और क्या होता है, किंक होता है थर्मोमीटर में। किंक का मतलब पता है? किंक, किंक मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है। ये टेढ़ा क्यों होता है, ताकि मरकरी जो हमारा यहाँ ऊपर तक, क्या वो जल्दी यहाँ पे गिर के वापस नहीं जाएगा, लेकिन लेबोरेटरी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो इसका जो मरकरी अगर हम बाहर निकालेंगे मान लो सीधे ये नीचे गिर जाएगा ना, तो इसमें किंक नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट, एंड हियर किंक इज प्रेजेंट, है ना, ताकि हम जब अपने बॉडी से थर्मोमीटर को वापस लाएं तो वो जल्दी गिर नहीं पाता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंस हो गए, इतना तो लिख ही सकते हो, है ना, चार पांच डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो डाल सकते हो ना, और ये फिगर भी बना सकते हो किंक में, यहाँ लिखोगे इट हैज किंक, और किंक का तुम्हें बता दिया बेनिफिट क्या है, एंड इट डजंट हैव किंक इन इट, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस पूछ सकता है, दूसरा और क्या क्वेश्चन आएगा, हाउ टू यूज मेथड, है ना, हाउ टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और यहां भी आ सकता है हाउ टू यूज केमिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब भी यूज करते हैं पता है क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसको हमें झटके मार के पहले उसका जो हमारा पॉइंट है वो बिल्कुल नीचे डाउन होना चाहिए, उसका जो बल्ब है वहां पे हमें नहीं पकड़ना है। क्यों नहीं पकड़ना है शिल्पा? जो सर थर्मोमीटर में क्या मरकरी बल्ब होता है, जो मरकरी बल्ब होता है ना, जैसे मान लो थर्मोमीटर है इसमें बल्ब है, तो यहाँ पे हमें हाथ से होल्ड नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? सर, अगर कुछ करेंगे तो हम लोग का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर दिखाएगा ही नहीं। हाँ, बॉडी टेम्परेचर सेंस कर लेगा, जैसे हमारा नहीं, जैसे मान लो हम किसी भी पेशेंट का ले रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट का लेने के बाद हम लोग अगर यहाँ पे पकड़ रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर ले लेगा वो, तो बिल्कुल सही दिखाएगा, हम बोलेंगे पेशेंट बिल्कुल ठीक है ना, हो सकता है पेशेंट बेचारा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए तुमसे, है ना, तो हमें इस ढंग से होल्ड करना है कि बल्ब पे हम ना पकड़े, ताकि टेम्परेचर जहां है वहीं हमें एक्यूरेट दिखाई दे, या फिर तुम्हें ही बुखार है और तुम किसी और का देख रहे हो, तुम्हारा टेम्परेचर लेके वो बहुत ज्यादा दिखाने लगेगा, है ना, तो इसीलिए हमें वो सब प्रिकॉशन लेना है। दूसरा, जब हम देखते हैं तो हमें किस एंगल से देखना है, अगर तुम कोई रीडिंग ले रहे हो थर्मोमीटर में, मान लो ये तुम्हारा थर्मोमीटर है, इसमें जो रीडिंग ले रहे हैं हमारा, जो यहाँ पे मान लो रीडिंग है, ठीक है, और ये हमारा लाइन जा रहा है, तो हमारा जो आंख है ये बिल्कुल इसके सामने पैरेलल होना चाहिए, है ना, यहां से हमें बिल्कुल रीडिंग लेना है, ठीक है, इधर इस साइड या इस साइड से नहीं देखना है, इस साइड देखते हैं तो इसमें एरर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग पता है, कौन सा एरर, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर मतलब जैसे स्केल का रीडिंग लेते हैं हम लोग, कैसे लेते हैं, साइड से नहीं देखते ना, ऊपर से देखते हैं बिल्कुल सामने, है ना, ताकि हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिले। जैसे जो स्केल है मान लो 1 2, इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो हमें मान लो ये पॉइंट लेना है, तो हम लोग बिल्कुल सामने ऐसे देखते हैं ना इसके नीचे, है ना, इधर से या इधर से तो नहीं देखेंगे ना, क्योंकि तो टेढ़ा देखने से हमेशा उसमें एरर आ जाता है, हमें रीडिंग सही पता नहीं चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एरर, है ना। तो ये पैरेलैक्स एरर वर्ड जब टेस्ट में लिखोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे टीचर खुश हो जाएंगे कि शी इज नोइंग अबाउट पैरेलैक्स एरर, है ना, तो इस ढंग से सोच के यस लिखना है कि सर। हमें जो तो रीडिंग्स आर टू बी टेकन जस्ट इन बाई कीपिंग आवर आई इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन सो दैट वी कैन अवॉइड पैरेलैक्स एरर्स, है ना। उसके बाद अपने आप टीचर पूछेगा, है ना, कि पैरेलैक्स एरर तुम्हें पता है कि नहीं क्या होता है, तो यू शुड बी अवेयर, बता सकते हो, है ना, एक तो ये हो गया, और क्या कर सकते हैं प्रिकॉशन? जैसे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसको टेढ़ा नहीं रखना है ना, टेढ़ा रखने से भी हमारा रीडिंग जो है
वो चेंज हो सकता है, तो हमें बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, है ना। तो तुम्हें क्लिनिकल और लेबोरेटरी दोनों में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट दिया होगा, हल्का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, ये तो हो गया। एक तो हाउ टू यूज एंड प्रिकॉशंस, दोनों चीजें होंगी, एक तो मेथड क्या क्या यूज करना है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, और दूसरा प्रिकॉशंस क्या क्या लेने, है ना। जैसे प्रिकॉशंस में क्या क्या आ जाएगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, इसमें क्या है हॉरिजॉन्टली क्लिनिकल में, और लेबोरेटरी में क्या है इट शुड बी हेल्ड वर्टिकली, सीधा खड़ा होना चाहिए, है ना, इट शुड नॉट बी टिल्टेड, ठीक है। थर्मोमीटर बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जैसे हम एक मान लो बर्तन ले रहे हैं, एक इसको मैं क्लियर करता हूँ, एक ये बर्तन है, ठीक है, इसमें हमने थर्मोमीटर ऐसे डाल दिया, बोल दिस इज आवर थर्मोमीटर। तो ये जो टिप है, ये टिप किसको टच करेगा, जिसका टेम्परेचर हमें लेना है। दिस टिप शुड नॉट बी टचिंग दिस वेसल, अगर यहाँ टच करेगा या यहाँ टच करेगा या यहाँ टच करेगा तो सब कुछ डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वो वेसल का भी टेम्परेचर उसमें आ जाएगा। तो ये सब मेथड्स रॉन्ग है, यहाँ टच नहीं होना चाहिए, है ना, वो बिल्कुल जिसका टेम्परेचर लेना है उसमें ही जाना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, यस यू सर, शुड नॉट टच द बल्ब, ये भी क्लियर हो गया, यस है ना। रीडिंग थर्मोमीटर वाल इट्स बल्ब इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस इज बीइंग मेजर, रीड थर्मोमीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, डू नॉट होल्ड थर्मोमीटर बाय द बल्ब, हैंडल द थर्म, हाँ हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, उसको केयर लेके पकड़ना है, क्योंकि वो शीशे का होता है और अगर गिरेगा तो वो टूट जाएगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर टू अवॉइड इट्स डैमेज, ठीक है, उसका डैमेज ना हो। तो ये भी क्लियर हो गया, ऐसे ही क्लिनिकल वाला भी एक बार देख लेना, कुछ डाउट होगा तो उसको ऑनलाइन करके मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर्स हो गया, और कौन से टाइप का थर्मोमीटर होता है बताओ सुहाना, दो थर्मोमीटर ने पढ़ लिया ना डिजिटल क्लिनिकल, डिजिटल, डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है बताओ, ये आप शिल्पा, सर, व्हेन बी चेक आवर टेम्परेचर, इट शो इन द रिटेन सेल्सियस। रिटेन सेल्सियस और डिजिट्स बोलना है, डिजिट्स यस मतलब सर, इट शोज अस द रीडिंग्स इन डिजिट्स, है ना, उसमें हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना। उसमें यस हमको सर, क्या उसमें करना खुद है, से 37.5 लिख या 5 या फिर 6 या 8 कुछ भी लिख सकता है ना, ऐसे डिग्री सेल्सियस वहां पर लिखा रहेगा, तो बस हमें डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस पता चल गया। आजकल मैक्सिमम कितनी जगह यही यूज करते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल थर्मोमीटर, एंड देन एक है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, ये क्या होता है सुहाना, मैक्सिमम और डिजिटल थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मतलब मिनिमम। अधिकतम और मिनिमम मतलब न्यूनतम, है ना। यस आर यू अवेयर शिल्पा, यस बताओ। सर, इन दिस ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड हैं? सर, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड टेम्परेचर। हाँ, इसमें ना एक तो तुम्हें दो ही रीडिंग देगा, वन विल बी मैक्सिमम एंड द अदर विल बी मिनिमम, ठीक मिनिमम है। जैसे मौसम विभाग से आता है ना।